नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बीएमसी पर लगाया 5 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप। घूस मांगे जाने से भड़के कपिल ने पीएम मोदी से पूछा, क्या यही है अच्छे दिन? सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष, राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना। 1990 में राजीव गांधी ने अयोध्या में की थी सद्भावना यात्रा। 26 साल बाद गांधी परिवार का कोई सदस्य पहुंचा अयोध्या। मुंबई के मलाड में नेवी बेस में भर्ती के दौरान मची भगदड़। पुलिस को करना पड़ा लाठी चार्ज, प्रशासन पर लगा बद इंतजामी का आरोप। 10,000 उम्मीदवार पहुंचे थे परीक्षा के लिए। आज से राजधानी शताब्दी और दुरंतो का सफर हुआ महंगा। ट्रेनों पर फ्लेक्सी फेयर स्कीम लागू। बीजेपी की नाराजगी के बाद अब रेल मंत्रालय ने दिए फैसले पर पुनर्विचार के संकेत। उत्तर कोरिया ने किया अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण। दक्षिण कोरिया ने जताई आशंका, आज सुबह 5.3 तीव्रता वाले कृत्रिम भूकंप के झटके किए गए महसूस। यूएस ओपन में सबसे बड़ा उलट फेर, सेमीफाइनल में हारी सेरेना विलियम। चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा ने फाइनल में बनाई जगह। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।